बॉक्स है और इसमें ही मेरा मेकअप कलेक्शन। फ्रेंड इस बॉक्स में क्या क्या है मैं निकाल के रख लेती हूँ। दो कॉम्पैक्ट हैं इसमें और एक ब्लश है। ये मैंने निकाल के रख लिया तीनों। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लश है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लश है ये। इसमें आपको दो कलर मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसलिए मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि अच्छे से दिख नहीं रहा था। इसमें एक आपको ऑरेंज पीच कलर मिल जाता है और एक पिंकिश सा कलर मिल जाता है आपको। आई होप देख लो कितना ज़्यादा ख़त्म भी हो गया है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे कलर बार और लैक्मे के ही कॉम्पैक्ट और ये सब मेकअप पसंद है। सेकंड इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, ये फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट है, ये बहुत अच्छा है। पैकेजिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको लिए हुए भी मुझे 1 ईयर से ज़्यादा हो गया और काफ़ी अच्छा है ये। तो ये कुछ ऐसा है, आपको एक मिलर मिल जाता है, एक स्पंज मिल जाता है और ये कॉम्पैक्ट है। मैंने बहुत कम यूज़ किया है क्योंकि मैं मैक का यूज़ करती हूँ, वो कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है उसके। जब मेरे को कहीं जल्दी जाना होता है सिर्फ वही यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र के बाद। ये थोड़ा सा ना मेरा टूट गया है, यहाँ से गिर गया था ये, इसको मैं बाद में अच्छे से, चलो ये लग गया है ये एक इसमें। और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट, इसको लेने के लिए मैंने कितनी, मतलब कहते ना यार, बहुत वेट करा है इसको लेने के लिए। ये मैक का कॉम्पैक्ट है और थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मैक इसका रिव्यू मैं जल्दी करूँगी। ये कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन है, इसको प्रेस करेंगे हम ऐसे, ये ओपन हो जाएगा और ये कुछ ऐसा है अंदर से। और एक इसमें भी स्पंज मिल जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये। और ये मिलर मिल जाता है किसके अंदर, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इसकी। मैं आपको इसका रिव्यू जल्दी ही दूँगी। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इस वाले बॉक्स में क्या क्या है, मैं निकाल के रख लेती हूँ पहले। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी ये लोटस का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको डेली यूज़ भी कर सकते हो। ये SPF 25 के साथ आता है, ये ऑल स्किन टाइप है, लोटस की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप ही होते हैं। तो ये एक मॉइस्चराइज़र है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, जब मेकअप करती हूँ तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। और उसके बाद इसमें एक ये लैक्मे 925 आपको दिख पा रहा होगा, आई होप अच्छे से देख सकते हो आप, एक ये वाला फाउंडेशन है। मैंने आपको जैसे कि बताया था फाउंडेशन के कलेक्शन थोड़े से ज़्यादा है मेरे पास। और उसके बाद फ्रेंड्स ये एक फेसिस कैनेडा का फाउंडेशन है मेरे पास, मैट माउस फाउंडेशन, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से आपके फेस पे मेल्ट हो जाता है। इन सब का रिव्यू मेरे को आपके साथ शेयर करना बाकी है, पहले मैंने इसलिए आपको मेकअप कलेक्शन दिखा दिया क्योंकि मेरी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप शेयर करो, तो मैंने कहा ज़रूर शेयर करूँगी, तो मैंने कहा रिव्यू बाद में कर लूँगी, शेयर पहले कर लेती। तो एक ये वाला फाउंडेशन है, अभी तक हमारे पास 2 फाउंडेशन हो गए हैं। उसके बाद ये कलर बार का प्राइमर है, प्राइमर लगाना हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो भी ओपन पोर्स होते हैं उसको सिंक कर देता है। और जितने भी यार, मतलब जैसे स्किन में केमिकल कोई प्रोडक्ट होता है तो वो अंदर तक नहीं जाता, प्राइमर एक लेयर बना देता है। उसके बाद ये 925 एक लैक्मे की CC क्रीम है, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी purple.com से। और ये रहा मेरा फेवरेट मैक फाउंडेशन, जो कि मेरा ड्रीम था लेने का यार, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, मुझे नहीं लगता था कि मैं ले पाऊँगी, लेकिन कहते हैं ना यार, सपने देखोगे तो ही पूरे होंगे। ये मैंने तब लिया था, अपने पिछले बर्थडे पे लिया था, बहुत कम मैं इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार ये, और थोड़ा कॉस्टली है, बट हाँ थोड़ा सी मेहनत करी ले लिया, लेकिन बहुत टाइम लगा, लेकिन ले लिया था मैंने। अब हमारे पास टोटल 3 फाउंडेशन हो गए हैं और एक CC क्रीम हो गई है।
और उसके बाद में ये एक स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, ये भी बहुत अच्छा है, ये रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, ये आई थिंक 250 का मिल गया था। सो आप ये वाला प्राइमर भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लैक्मे का थोड़ा कलर बार का थोड़ा कॉस्टली है, 850 का है ये, डिस्काउंट के बाद आपको 800 का मिल सकता है। ऑनलाइन डिस्काउंट चलते हैं, अगर आप शॉप से लोगे कलर बार तो नहीं डिस्काउंट देते, वो 10% मिल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। सो ये वाला बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये थर्ड बॉक्स देखते हैं हम, इसमें आई शेडो हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 आई शेडो हैं बस। सो ये आप देख सकते हैं, ये लोटस का आई शेडो है, इसकी पैकेजिंग पिंक कलर की थी, बाहर से ही कलर देख के पसंद आ गया था। इसके कलर मुझे अंदर के थोड़े से कम पसंद आए हैं, बट इसकी बाहर की पैकेजिंग देख के बहुत ज़्यादा। सो ये देख सकते हो आप, इसमें ब्राइडल, जो भी अगर ब्राइडल लेना चाहती है तो ले सकते हो, ब्राइडल के सारे मतलब के कलर है, डार्क ब्राउन शेड है, ये हाइलाइटर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें पिंक शेड है और ये ऑरेंज सा शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छे कलर हैं इसमें। मैं थोड़ा लाइट मेकअप करती हूँ तो मुझे लाइट कलर ज़्यादा पसंद है, और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने आपको लगा के दिखाए हैं थोड़े से, मैं एक फ़ोन से, मेरे ट्राईपोड पे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो लग नहीं रहा है, तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। सो इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं आई शेडो अगर आप लगा लो तो। और एक ये लोटस का आई शेडो है मेरे पास, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना आई शेडो है, ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, वो इंडिया से बाहर रहती हैं। सो एक ये टूट भी गया है इधर की साइड का, इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें कलर भी सारे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। ये आई शेडो को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए ये टूट गया है, 4-5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं इसको, बल्कि 6 ईयर हो गए हैं, बट मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि गिफ्ट नहीं देखा जाता, देने वाले की देखी जाती है कि वो कितने प्यार से दे रहा है। सो ये आई शेडो देख सकते हो आप, कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कलर है, ये देख सकते हो आप, ये इसके कैप है, मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और ये एक फेसिस कैनेडा का आई शेडो, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मेरे पास एक और आई शेडो है, वो मैं आपको दिखा दूँगी, वो मेरा फर्स्ट आई शेडो है, मतलब ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, ये तो मैंने संभाल के, जो मैंने खुद से परचेज़ किया था, मैं आपको दिखा दूँगी एक, अभी वो रख दिया है मैंने, निकाल के दिखा दूँगी। लेकिन ये फेसिस कैनेडा का आई शेडो, इसके कलर देख सकते हो आप, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट ओपन करके। सो कलर देख सकते हो आप इसमें, नई ब्राइडल को जो जो कलर चाहिए होते हैं सारे ही हैं इसमें, हाइलाइटर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप कलर देख रहे हो, आई थिंक आपको कैमरे में इतने अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन इसकी पिगमेंटेशन और इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देख सकते हो आप। तो इसमें एक ये वाला आई शेडो था और एक इसमें मिलर है। सो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट बर्थडे पे अपने एक मेकअप किट खरीदी थी तो मुझे ये उसके साथ मिला था, ये ऐसे मैग्नेट के साथ है। सो मैं इसको ओपन करती हूँ। सो इसके अंदर एक ब्यूटी ब्लेंडर है, एक चुटकू सा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ना कि फाउंडेशन के कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। सो ये कलर बार का आमंड स्किन रेडियंस फाउंडेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी पैकेजिंग माइंड ब्लोइंग है, मैग्नेट पैकेजिंग है ये, ये बस ऐसे लगा के ऐसे, और ये ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो फाउंडेशन निकलता है, ये देखो। सो अभी यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसका रिव्यू भी जब करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो एक ये वाला फाउंडेशन है, सो टोटल हमारे पास अभी 5 फाउंडेशन हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, हाँ ये 5 फाउंडेशन हो गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाउंडेशन का कलेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास। सो ये कलर बार का फाउंडेशन है, उसके बाद इसके अंदर एक ये लोटस का फाउंडेशन है, बहुत ये माउस फाउंडेशन है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स इसके अंदर ये एक ही लैक्मे का हाइलाइटर है, ये हमारे बॉडी के पार्ट को हाइलाइट करता है, ये देख सकते हो आप, ये ऐसे स्पंज में आता है और जिस भी जगह आप लगाओगे, ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, ये देख सकते हो हम। सो इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही निकल जाएगा, जैसे नेक वगैरह पे आप इसको लगा सकते हो, हैंड पे, बैक पे। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ये देख सकते हो। और अभी करंट में ही मैंने अपना मेकअप, काफ़ी सारा मेकअप शेयर कर दिया था अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास ज़्यादा हो गया है, इतने का मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया था। सो अब मेरे पास इतना ही है नहीं, काफ़ी कलेक्शन था, बट मैं शेयर करती रहती हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये सबसे पहले लिए थे मैंने जब मैं मेकअप करना स्टार्ट ही कर रही थी, सो ये मैंने दो लिए थे। इसको हम अपनी आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हैं, हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी दोनों ही आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, एक के अंदर गोल्डन कलर है और एक में पर्पल कलर है। इसके स्वैग मैंने यहाँ पर देखे हैं, मेरे हैंड पे देख सकते हो आप, एक साइड पर्पल है एक साइड गोल्डन कलर का शेड है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। उसके बाद इसमें दो लैशेस हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं करे हैं, बट करूँगी। अब मैं करो चौथ पे मेकअप करूँगी, मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, तब मैं इनको यूज़ करूँगी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं करे हैं। और इसमें एक ये मिलर है बारबी वाला, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, ये भी मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ये आइस क्लोज हो जाती है, ओपन हो जाती है, कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सी, मुझे क्यूट सी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सो एक मिलर है, ब्यूटी ब्लेंडर है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, देख सकते हो आप कितने ज़्यादा गंदे हो रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इस बॉक्स को ओपन नहीं करा था। सो अब मैं इसको वॉश करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि ईजिली अपने ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे वॉश करते हैं। सो ये दो इसके अंदर ब्रश हैं, ये निकल के गिर गए हैं आई शेडो के। सो मेरे पास अलग से ब्रश का कलेक्शन है, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर एक ये किस ब्यूटी का ब्लश है, ये भी देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, मतलब इसमें टोटल 5 कलर है, ब्लश की तरह हाईलाइट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और ये एक लैक्मे एब्सोल्यूट का फाउंडेशन था इसके अंदर, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन था, मतलब इतना मुझे पसंद आया कि मैंने इसको सारा ही यूज़ कर लिया। अब मैंने इसके अंदर जो मेरे कॉम्पैक्ट टूट जाते हैं ना, और जो टूट गए उनका पाउडर मैंने मिक्स कर रखा है, मैं कभी नेक पे कभी बैक पे इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जितने भी कॉम्पैक्ट टूट जाते हैं, मैं इसको ऐसे इस बॉक्स में भर के रख लेती हूँ, फिर इसको यूज़ कर लेती हूँ, अपने फेस के लिए भी अब यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है रियल में यार। सो आप भी ऐसे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स मैंने इसको भी ऐसे ही लगा दिया, ये वाला बॉक्स भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है इस वाले की। सो इसके अंदर मैंने कुछ अपने ऐसे लिप लाइनर रखे हुए हैं, और ये आईब्रो पेंसिल, और ये यहाँ पर मेरे सारे लिप लाइनर हैं, यहाँ मैंने कॉम रखा हुआ है, ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रश है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और ये फेसिस कैनेडा का है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हो। इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत वेट किया यार सच्ची में। सो कितनी शाइन है इस ब्रश में। आप भी ऐसे कुछ बास्केट ले सकते हो, अलग अलग अपना सामान रख सकते हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऐसे। और यहाँ मेरे कुछ प्यारे प्यारे ब्रश हैं जो बेसिक मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, मैंने वही ब्रश रखे हुए हैं, बाकी बहुत सारा आए थे ब्रश, मतलब मैंने किट ली थी तो उसके साथ बहुत सारी आई थी। ये मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो मैंने इसमें ही रखा हुआ है। यहाँ वही ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये आई शेडो ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश है, और इससे मैं कॉम्पैक्ट हाईलाइटर वगैरह लगा लेती हूँ, और ये सारे मेरे आइस वाले ब्रश हैं। सो यही था मेरा मेकअप कलेक्शन, कैसा लगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक आई शेडो और है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड इससे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा फर्स्ट आई शेडो है, देख सकते हो आप, एक मिलर मिल जाता है इसके अंदर, और इसमें सारे ही कलर हैं, इनकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत लाइट वेट है। अभी आपको लग रहे हैं ये थोड़ा डार्क कि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, इसमें सारे ही कलर हैं जो बेसिक हमें चाहिए होते हैं, और ये ऐसे ओपन जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट है, मैंने जैसे कि बताया आपको, बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि मेकअप से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है यार, तो मैं मेकअप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ।
सो यही था मेरा मेकअप कलेक्शन। सो आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया। और एक छोटू सा मेरा टैडी है जो मैं उसी में रखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर, लव यू माई यूट्यूब फैमिली, बाय, टेक केयर। सो बाय कर दो बाबू, कर दो बाय।